नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से सी प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी गिवन नंबर को प्रिंट किया जा सकता है। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर देख सकते हैं, और सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइल सेव करना, कि किस तरह से फाइल को सेव करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया था ये। तो सेव करने का सिंपल है, सेव पर क्लिक कीजिए या आप F2 दबा दीजिए। तो यहाँ पर आप टर्बो सी के एक बिन नाम के फोल्डर में अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं, तो माना ये मेरा प्रोग्राम है प्रिंट नाम से, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट .c. .c इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम, और ओके पर क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा तो प्रिंट सी आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में डीबग के नीचे कि हमारे प्रोग्राम सेव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि था किसी भी नंबर को प्रिंट करना। तो उसके लिए हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, वही जो हमने कल बनाया था, और इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा हुआ है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेट कराई हुई है, मेन फंक्शन लगाया हुआ है, क्लियर स्क्रीन लगाया हुआ है और गेट सी एच लगाया हुआ है। और इसके बारे में आपको पता भी है, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देख ही लिया होगा इसका क्या काम है, किस तरीके से काम करता है स्ट्रक्चर। तो फाइनली मैं यहाँ पर देता हूँ डेटा टाइप int फॉर इंटीजर डेटा टाइप टॉपिक में मैंने आपको सभी तरीके के डेटा टाइप के बारे में बताया है, पर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंटीजर। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, माना ए ले लिया। अब इंटीजर ए का मीन क्या है, कि ए नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, रैम यानी कि मेन मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर होगा और इसके अंदर वैल्यू होगी गार्बेज। अगर मैं इसमें वैल्यू दे देता हूँ इंटीजर ए इक्वल टू 9, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेरिएबल है ए इंटीजर टाइप का है उसमें 9 वैल्यू हो चुकी है, यानी कि उसमें जो वैल्यू आ चुकी है वो है 9। ठीक है, तो अभी अगर अपने को ये प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। अपने को लिखना है प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इस प्रिंट एफ के अंदर लिखना है जो भी आप लिखना चाहें, प्रिंटिंग ऑफ इंटीजर नंबर, कॉलन लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी, और कॉमा लगा कर मैंने लिख दिया वही वेरिएबल जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। तो प्रिंटिंग ऑफ इंटीजर नंबर और परसेंटाइल डी कॉमा ए, तो ये जो ए है हमारा ये, अब इस ए की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि इस ए में जो भी स्टोर होगा वो इस परसेंटाइल डी इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल करने पर देखा कि एरर तो कुछ है नहीं हमारे प्रोग्राम में, यानी कि प्रोग्राम हमारा ठीक लिखा हुआ है। अब रन करते हैं, देखिए रन करने पर लिखा गया प्रिंटिंग ऑफ इंटीजर नंबर कॉलन लगाकर 9, दैट मीन हमारा भाई ये जो भी काम हमने किया है ठीक है। तो ये तो बात है इंटीजर नंबर के प्रिंट करने की। अगर अपने को प्रिंट करना हो कोई पॉइंट वाला नंबर, जैसे कि 2.6, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए डेटा टाइप होता है फ्लोट, आपने डेटा टाइप में पढ़ ही लिया होगा, और मैं यहाँ पर आपको उसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्लोट बी इक्वल टू 18.9, ठीक है,
जो हमने ये लिखा हुआ है फ्लोट b इक्वल टू 18.9, अगर अपने को वो प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता यहाँ पर, मैं आपको एक और शॉर्ट की बताता हूँ, आप एडिट में जाके देखिए, कट कॉपी और पेस्ट इसमें अवेलेबल और अलाउड होता है। तो कॉपी करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, और कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से ये पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल प्लस इंसर्ट का की प्रेस की है, दैट मीन मेरा ये पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइन कॉपी हो चुका है, और शिफ्ट के साथ अगर मैं इंसर्ट दबाऊंगा तो ये कोड ऑफ लाइन मेरा प्रिंट हो गया दोबारा से, यानी कि पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखा प्रिंटिंग ऑफ फ्लोट, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंटिंग ऑफ फ्लोट नंबर या कुछ भी, जो भी आप चाहें, पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि समझ में आए कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या प्रिंट करा रहे हैं। तो फ्लोट का परसेंटाइल एफ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा बी, बिल्कुल सेम पहले की तरह, कंपाइल किया, कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं आई, और अगर हम इसको रन करते हैं तो लिखा जाता है प्रिंटिंग ऑफ इंटीजर नंबर 9, प्रिंटिंग ऑफ फ्लोट नंबर इज 18.9000, दैट मीन हमारा प्रोग्राम ठीक है, अभी एक साथ आ रहा है। आपको ये पता ही है कि अगर आपने कोई अलग अलग लाइन में निकालना होता है, अलग अलग लाइन में लिखना होता है, तो स्लैश एन लगा देते हैं। देखिए रन करता हूँ, रन करने पर आपको ये अलग अलग लाइन में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर वेरिएबल का मतलब ये है, और उसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए साथ ही साथ मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करा देता हूँ, वो क्या है, गारबेज। जिसमें मैं बता रहा था कि इंटीजर a इक्वल टू 9 लिखा तो 9 प्रिंट होगा, और अगर मैं इंटीजर a लिखता हूँ तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर होगा गारबेज। जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है इंटीजर a और इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए इसमें आउटपुट दिखा रहा है -28904, जबकि हमने इसमें कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की गई है, तो ये गारबेज वैल्यू है। और गारबेज वैल्यू का क्या सीन है यहाँ पर, कि जब कोई वैल्यू नहीं है और उस इंटीजर a नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा, जबकि हमने प्रिंटिंग ऑफ फ्लोट नंबर में दिखा दिया है, जो कि हमारा पर्टिकुलर नंबर हमने दिया था। देखिए फ्लोट b इक्वल टू 18.9 तो 18.9 दिखा रहा है, और अगर इंटीजर a इक्वल टू हम यहाँ पर कुछ और नंबर दे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 36 दे दिया, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, 36 इसने आउटपुट दिखा दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये गारबेज वाला भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके बहुत प्रोग्रामिंग में ये एरर आती है कि आपका वेरिएबल गारबेज वैल्यू दिखाने लगता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपने क्या डिफाइन किया है, क्यों गारबेज दिखा रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि भाई किस तरीके से हम अपने नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोग्राम को सेव करना, कट कॉपी पेस्ट करना, और गारबेज का भी ये कंसेप्ट सीखा। तो दोस्तों एक सी प्रोग्राम में किस तरह से डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, हमने यहाँ पर दो डेटा टाइप यूज़ किए, इंटीजर और फ्लोट, आपने देखा किस तरीके से यूज़ किए और किस तरह से उनको डिफाइन किया, किस तरह से हमने उसको प्रिंट किया, यानी कि प्रिंट किया और फिर कोई स्ट्रिंग लिख दी और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया पर्टिकुलर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे इंटीजर के लिए लगाया परसेंटाइल d और फ्लोट के लिए लगाया परसेंटाइल f, और कोट्स बंद करके कॉमा लगाकर फिर लिखा वेरिएबल का नेम। जैसे a और b हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किए थे, तो a और b की वैल्यू को फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करने लगा। और इसी के साथ साथ हम अगले वीडियो लेक्चर्स में ऑपरेटर एंड इट्स टाइप को भी डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी सी प्रोग्राम सीख सकें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हम कमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि कमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल अकाउंट से, अपने जीमेल वाली ईमेल आईडी से और पासवर्ड से यूट्यूब पर लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट कर सकेंगे। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।